हेलो दोस्तों, न्यू ब्रोक में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये टुल्लू पंप का कॉइल है। इसको चलिए हम कनेक्शन करके आपको बताते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम ये तार को छील लेते हैं ब्लेड के सहायता से। ये चार ग्रुप का कॉइल है। दो है आपका रनिंग और दो है आपका स्टार्टिंग। तो इसको ब्लेड के सहायता से छील ले रहा है। उसके बाद फिर आपको कनेक्शन करके बताएंगे किस तरह कनेक्शन किया जाता है। ये देखिए, पूरा तार तो छिल चुके हैं, छिल लिए हैं, इसका इंसुलेशन तो पूरा छिल लिए हैं। अब इसको हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका रनिंग का जो स्टार्टिंग करते हैं, कॉइल बनाते हैं, उसका स्टार्टिंग और प्लस दूसरा का स्टार्टिंग, ये दोनों को हमको जोड़ देना है। आपका स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है एस प्लस रनिंग कॉइल, तो ये इसी तरह आपको करना है। ये देखिए, रनिंग का आपका जोड़ दिए हैं। अब इसका स्टार्टिंग का उसी तरह जोड़ना है, जो कोयल आपका स्टार्ट हुआ वही उसी का स्टार्ट ये कोयल आपका दूसरा कोयल भी उसी तरह आपको जोड़ना है। इसको भी आपको एस प्लस करके, मतलब जहाँ स्टार्ट हो रहा है उसी को फिर से आपको जिस तरह रनिंग का जोड़े उसी तरह आपका स्टार्टिंग का भी जुटेगा। ये हो गया। अब चलिए इसको लीड निकालते हैं, और इसका लीड निकालने का भी एक तो तरीका आपको बताते हैं, और जो कोयल आपका ना जले उसका भी एक तो तरीका आपको बताते हैं। कभी भी हाई वोल्टेज आ सकता है, जैसे कोयल जल सकता है, उसका भी एक तो आपका चीज़ एक तो लगाएंगे जो आपका कोयल भी ना जले। चलिए इसमें आपको बताते हैं, इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। ये पीवीसी का लीड वायर है। आप गिलास लीड भी लगा सकते हैं। अगर इसमें पीवीसी लगा रहे हैं तो आपका सिलिकॉन का स्लिपिंग पाइप लगाने से बेटर होगा। कभी भी हीट होगा तो उसमें आपका जोड़ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप सिलिकॉन का लगाइए, और नहीं तो आपका गिलास लीड लगा सकते हैं तो और भी बढ़िया होगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम। ये देखिए, स्टार्टिंग का जो फिनिश वाला है वो एक ठो तार इसमें जोड़ दिए हैं ब्लू में। अब देखिए, दूसरा जो स्टार्टिंग है उसको भी फिनिश के साथ हम जोड़ देंगे। ये हो गया। अब चलिए, जो रेड है आपको एक रनिंग के साथ जोड़ दे रहे, जो फिनिश का निकला हुआ है ताठो, एक हो गया। अब जो दूसरा फिनिश बचा हुआ इसको देखिए हम क्या करते हैं। ये देखिए, ये आपका ओवरलोड है, थर्मल ओवरलोड 3 एम्पियर का है आपका। तो इसको इसका पूरा नाम है थर्मल पावर प्रोटेक्शन, मतलब ज़्यादा हीट होने के कारण ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कोयल आपका जलने नहीं देगा। चलिए इसको भी लगा लेते हैं। अब इसको हम सोल्डिंग भी कर दे रहे हैं।
चलिए सोल्डिंग हो गया। अब इसको स्लिप पाइप आपको लगा देना है बढ़िया से, कि हल्का सा भी लीकेज विकेज ना रहे, और इसको बढ़िया से। और देखिए थर्मल पावर को आप कोयल का भीतर में ही लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊंचा रहेगा तो दिक्कत होगा आपका। बस इसको फिर सूता की सहायता से बाइंडिंग कर देना है। ये देखिए बाइंडिंग कर दिए, दो तरफ बाइंडिंग कर दिए हैं। अब इसको चेक कर ले रहे हैं चार्टो लीड, ये देखिए आपका ओके है, ये बॉडी भी नहीं है आपका, वो कॉल है ओके। टेस्टिंग हल्का सा बानी दे दे रहे हैं, ये देखिए आपका ये तरफ होगी आपका। अब बैक साइड भी देख लीजिए, दोनों साइड आपका बाइंडिंग मार दिए। चलिए आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।